एथलीट्स, मेरा नाम है नीरज पांडे और आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बचे हुए टॉपिक, जो इस प्रकार से हैं: ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, हेल्दी वेट, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा, कुछ व्यक्ति और बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एथलेटिक एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अगर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा तो आपको एक कॉमन आंसर मिला होगा, उस व्यक्ति का बॉडी वेट। हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना केवल प्रोफेशनल एथलीट के लिए ही नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी होता है, जिससे वो अपनी डेली एक्टिविटी को अच्छे से कर पाए। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या मेरा बॉडी वेट ठीक है, मेरा बॉडी वेट कितना होना चाहिए। तो इस क्वेरी को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें जानना होगा BMI के बारे में। BMI means body mass index, जिसे हम Quetelet index भी बोलते हैं। ये एक तरह का key index होता है, जो relation बताता है body weight और height के बारे में। Means उस व्यक्ति की height के according weight कितनी होनी चाहिए, और जो भी हमें value प्राप्त होती है, उससे हमें एक idea मिल जाता है कि व्यक्ति underweight है, normal weight है या overweight है। BMI निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहला है व्यक्ति का वेट केजी में और उसकी हाइट मीटर में। BMI निकालने का फॉर्मूला है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट इन मीटर, और यू कैन से हाइट इन मीटर स्क्वायर। आइए अब हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। किसी व्यक्ति का वजन 70 केजी है और उसकी हाइट 1.70 मीटर है। BMI फॉर्मूले के अनुसार 70 केजी वेट डिवाइडेड बाई हाइट 1.70 into 1.70। अब हमारे पास वैल्यू आती है 24.22। अब इस वैल्यू को हम WHO द्वारा दिए गए क्राइटेरिया चार्ट से मिलाते हैं, तो बिलो 18.5 जिसका भी BMI होगा वो होगा अंडर वेट। नेक्स्ट है 18.5 से लेके 24.9 तक वो व्यक्ति होगा नॉर्मल वेट। नेक्स्ट है 25 से लेके 29.9 तक, यानी वो होगा ओवर वेट। इसके बाद ओबिसिटी की कैटेगरी चालू हो जाती है, यानी कि 30 से लेके 34.9 तक ओबिसिटी क्लास 1, 35 से 39.9 तक ओबिसिटी क्लास 2 एंड लेस देन 40 ओबिसिटी क्लास 3 के अंदर आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपना BMI निकालकर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भी बताएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड टू कंट्रोल ए हेल्दी बॉडी वेट। BMI के अनुसार जो व्यक्ति अंडरवेट की कैटेगरी में आए हैं उन्हें अपना वेट को बढ़ाना है, जो व्यक्ति नॉर्मल कैटेगरी में आए हैं उन्हें उसे मेंटेन करना चाहिए, और जो व्यक्ति ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं उन्हें अपना वेट को लूज करना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ गाइडलाइन को फॉलो करना होता है, उसे अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेट एन अप्रोप्रिएट गोल। मीन्स अगर कोई व्यक्ति अपना वेट लूज करना चाहता है तो उसे सबसे पहले एक अप्रोप्रिएट, सही, सटीक और अचीवेबल गोल सेट करना होगा, और उसमें सफलता पाने के लिए उसे दो चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहला होगा एक अचीवेबल गोल, और दूसरा उस गोल को प्राप्त करने में लगने वाला समय। अगर इन दोनों का सही से कैलकुलेशन हो जाए तो सफलता के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट है कट योर कैलोरीज। मींस एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में लगभग 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर कोई बहुत बड़ा चेंज ना करके दिन भर में केवल 100 कैलोरी को कम कर दिया जाए तो धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच जाएगा और अपना वेट को लूज कर लेगा। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। हमें पता है रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी फिटनेस भी मेंटेन रहती है, और जो व्यक्ति वेट कम करना चाहते हैं वो वेट भी लूज होता है। मींस वेट लूज करने में डाइट और एक्सरसाइज दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और फूड आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉप इमोशनल ईटिंग। कई बार ऐसा देखा गया है लोग टीवी चालू करके खाना खाते हैं, या कभी बहुत स्ट्रेस में होते हैं तब वो कितना खाना खा जाते हैं और कितनी कैलोरी खा जाते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है। मीन्स हमें इमोशनल ईटिंग नहीं करनी चाहिए। जब भी हम खाना खाने बैठें तो हम फुल कॉन्शियस के साथ फूड पर कॉन्सेंट्रेट करें। नेक्स्ट है हमारा ईट स्लोली और च्यू योर फूड प्रॉपरली। मीन्स जब भी हम भोजन करें तो उसे धीरे धीरे और चबा चबा कर करना चाहिए। एक बाइट को लगभग 32 टाइम चबाना अच्छा होता है, जिससे इंटेस्टाइन को उस फूड को डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। और हाँ, भोजन करने के 20 मिनट्स के उपरांत
ब्रेन को यह मैसेज मिलता है कि उसका पेट फुल हो गया है, तो इसलिए हमें मिनिमम 20 मिनट भोजन करने का समय जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट है योगिक एक्सरसाइज, वज्रासन, त्रिकोण आसन, अर्धमत्स्येन्द्र आसन, ऐसे आसनों को करने से ओबिसिटी की समस्या तो दूर होती ही है, साथ में हमारा हेल्दी वेट भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, हमें पता है बॉडी में लगभग 60-70% तक पानी होता है, यह भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, इसलिए दिन भर में हमें लगभग 4-5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, और जो व्यक्ति वजन कम कर रहे हैं उन्हें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड जंक फूड और फास्ट फूड, हमें पता है फास्ट फूड में कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो हमें जंक फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए और उसकी जगह बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल हो, ऐसी डाइट को प्रेफर करना चाहिए। अगला टॉपिक है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, पिटफॉल का मतलब होता है डेंजर, नुकसान या खतरे। आज के दौर में हर कोई व्यक्ति स्लिम एंड ट्रिम रहना चाहता है, जबकि उसे विगर और फिगर पर एम्फसाइज करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति ओवरवेट हैं वो डिफरेंट डाइटिंग मेथड यूज करते हैं अपने वेट को लूज करने के लिए। बिना साइंटिफिक और प्रॉपर नॉलेज के अगर कोई भी हम डाइटिंग प्लान फॉलो करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान ही होगा। तो आइए डाइटिंग से होने वाले कुछ खतरों के बारे में हम बात करते हैं। पहला है रिस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स। जो व्यक्ति अपना वेट लूज करना चाहते हैं वो प्रायः अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट और फैट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या फिर कंप्लीटली इलिमिनेट कर देते हैं, और हमें यह भी पता है सभी न्यूट्रिएंट्स की बॉडी को प्रॉपर प्रोपोर्शन में जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी के स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, वही फैट जो है फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के को ऑब्जर्व करके हमें बहुत सी डिफिशियंसी और डिजीज से बचाता है, तो इसलिए हमें इसे इलिमिनेट नहीं करना चाहिए, जबकि इसके फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं, मींस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैट को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है स्किपिंग मील्स, कुछ लोग अपने वेट को लूज करने के लिए मील्स को स्किप करते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ऐसा करने से उनका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और ये परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। मेटाबॉलिज्म डाउन होने की वजह से जब भी आप कुछ खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और वो सब चीजें फैट में एक्युमुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ कैलोरी थ्रू बेवरेजेस, जब व्यक्ति वेट कम करता है तो उसे क्या खाना है इस बात पर तो वो बहुत इम्फेसाइज करता है, लेकिन क्या पीना है उस पर वो जरा भी कॉन्शियस नहीं होता है। बहुत से लोग कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पैकेट जूसेस, इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जो वेट तो लॉस नहीं करते हैं उल्टा वेट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, अगर कोई व्यक्ति अपना वेट लूज करना चाहता है और वो डाइटिंग करता है पर वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो ये वेट लॉस प्रोग्राम के अगेंस्ट होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सरसाइज करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा कैलोरी भी घटती है, तो डाइट और एक्सरसाइज दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट है फूड इंटॉलरेंस, जब किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर फूड आइटम को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस, मींस वो पर्टिकुलर फूड आइटम व्यक्ति को सूट नहीं कर रहा है, यही है फूड इंटॉलरेंस, और ऐसा इस कारण से होता है कि उस समय हमारी बॉडी में उस फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, यानी कि वो फूड ना तो ब्रेक डाउन हो पाता है, ना ऑब्जर्व हो पाता है, ना डाइजेस्ट हो पाता है। इसका एग्जाम्पल है कुछ लोगों को दूध से इंटॉलरेंस होता है, उन्हें थोड़ा अमाउंट तो दूध देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो वो इंटॉलरेंट हो जाते हैं, यानी वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसे बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम हैं वॉमिटिंग, लूज मोशन, हेडेक, स्टमक पेन एक्सेट्रा। लास्ट टॉपिक है हमारा फूड मिथ्स, मिथ्स का मतलब होता है र्यूमर, झूठी बात या भ्रांतियां। सबसे पहला मिथ है ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, मीन्स खाना खाते समय पानी पी लेने से आप मोटे हो जाएंगे। इसका असल रीजन ये है कि जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं और पानी पी लेने से वो डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्व योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट। स्टार्व का मतलब होता है लंबे समय तक भूखा रहना। डाइटिंग करने से शुरुआत में तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक स्टार्व करने से बॉडी को साइड इफेक्ट झेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि मसल, बोन और हेयर डैमेज हो सकते हैं और मेटाबॉलिज्म भी डाउन हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे फूड कंज्यूम करने चाहिए जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अप करें या बढ़ाएं। नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड ए मसल्स, मींस वेजिटेरियन लोग मसल्स नहीं बना सकते हैं। हमें पता है मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो नॉन वेजिटेरियन लोग एनिमल प्रोडक्ट से कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन पा जाते हैं। वहीं वेजिटेरियन लोगों को मिल्क, पनीर, सोयाबीन, चना, राजमा, मूंग से अपना प्रोटीन का सोर्स को पूरा करना होगा। अगला मिसकंसेप्शन है फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट, मींस फैट फ्री प्रोडक्ट खाने से हमें वेट लॉस में मदद मिलती है, जबकि फैट फ्री या लेबल्ड प्रोडक्ट खाने से हमें जो कैलोरी मिलती है वो हमारे रेगुलर फूड के लगभग बराबर या उससे थोड़ी कम होती है। लेकिन हमें पता होता है क्योंकि ये फैट फ्री प्रोडक्ट है इसलिए हम इसे ज्यादा मात्रा में यानी ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, इस वजह से वेट लॉस होने की बजाय वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अगला मिसकंसेप्शन है फूड ईटन लेट नाइट इज मोर फैटनिंग, मींस ज्यादा रात में फूड कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में फैट एक्युमुलेट होगा। ये बात सच नहीं है, कोई सा भी फूड हम किसी भी समय पर खाएं तो उसका इफेक्ट सेम ही होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई भी फैटी फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, इसको हम चाहे सुबह खाएं या शाम में खाएं, इसका फैट कंटेंट हमेशा बराबर ही होगा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड इंटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी। पहले हम फूड इंटॉलरेंस को देखते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर टाइप फूड आइटम को खाने के बाद डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। ऐसा डाइजेशन के समय उस पर्टिकुलर एंजाइम की कमी की वजह से होता है जो उस फूड को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट है फूड एलर्जी, मींस ऐसा फूड आइटम जिसे कंज्यूम करने के बाद बॉडी में एक्सट्रीम रिएक्शन हो या वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करे उसे हम बोलते हैं फूड एलर्जी। यह एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, इसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। एक क्वेश्चन मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिनअप किया है, उसका आंसर आप #ans- लिखने के बाद लिख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के स्टडी मटेरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसे भी आप एक बार जरूर देख लें। और फ्रेंड्स, मेरा ये एफर्ट आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।